आज हम इतिहास का चैप्टर 11 विद्रोही और राज्य 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताएंगे, जिससे जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर के विषय में आप सॉल्व कर लेंगे और आपको बोर्डिंग सफलता में बहुत ही अच्छा मार्क्स प्राप्त हो सकेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और विद्रोह ने वीरता हासिल की। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की, कहीं तोप का गोला दागा तो कहीं बिगुर बजाकर विद्रोह का संकेत दिया। नंबर 2 है विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। 3 पर है 1857 में विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए फर्स्ट पॉइंट घोषणा में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। 2 है नवाबों और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का भी ख्याल रखा। 3 है विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से राजकुमार, तालुकदार, किसान और सिपाहियों का एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न तर्कों में एक दुनिया से समाप्ति के रूप में देखने लगे। अंग्रेजों ने तालुकदारों की जमीन, जागीरें और किले जब्त कर लिए, सेनाएं भंग कर दी, दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद उनकी हैसियत व सत्ता दोनों पर चोट पहुंची, क्योंकि वे अब जमीनों के मालिक नहीं, बिचौलिए रह गए। किसानों की नज़र में तालुकदार शोषक थे, किंतु बुरे वक्त में दयालु अभिभावक की भूमिका अदा करते थे। तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों के किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे, अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तारुदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, किंतु मुसीबत में साथ भी देते थे। अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आंकलन और गैर लचीरे राजस्व व्यवस्था के तहत पीसने लगे, और अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नए साहब मुसीबत में साथ दें। 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अवध का अंग्रेजी शासक में अधिग्रहण कर लिया गया, तथा वहां के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। विद्रोही घोषणाओं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं, और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। इसी डर से और वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए और फौजियों की आसानी के लिए कानून पारित कर दिए थे। 1 मई जून 1857 में समूचे भारत उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। विद्रोह में शामिल होने के शक पर हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने व सजा देने के अधिकार दे दिए गए। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैन्य विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट पर उपलब्ध हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता रहा, क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोगों ने समाजवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मंगल पांडे के बलिदान से हुआ था, जो कि बैरकपुर बंगाल में 34वीं रेजिमेंट में के सिपाही थे। लॉर्ड विलियम बेटिक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा के माध्यम में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रही थी। लॉर्ड बेटिक के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए विवश कर दिया। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने की
कोशिश के बावजूद हिंदू मुस्लिम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने वाले भारतीय सैनिकों का संबंध थर्ड लाइट कैवलरी रेजिमेंट से था। सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बरेली, आरा, बनारस और कोलकाता विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच संबंध से जन विद्रोह के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने इस बात का रोष था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने सभी छोटे छोटे बड़े भू स्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को बर्बाद कर दिया था। तो सबसे महत्वपूर्ण था ये कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। 1857 का विद्रोह, ये हर साल आता है, इसके बारे में मेन पॉइंट बता देते हैं। 1857 का विद्रोह शताब्दियों से शोषित भारत के लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा का प्रतीक था। विद्रोह एक सुनियोजित सशस्त्र कार्यक्रम, मेरठ से उठी सैनिक क्रांति ने दो दिन के भीतर दिल्ली को भी अपने चपेट में ले लिया था। विद्रोह में उत्तर भारत के ग्रामीण और शहरी जनता शामिल थी। समाज का प्रत्येक वर्ग, जमींदार, राजा, किसान, सभी शामिल। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह, विराजी, स्कंद्र, सहमल, मौलवी, अहमदुल्ला शाह और आम पुरुष, महिलाएं विद्रोह में शामिल। स्वतंत्रता की भावना से उद्देरित हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते थे। विद्रोह का कमजोर पक्ष, सभी विद्रोहियों का विद्रोह में शामिल होने के भिन्न भिन्न कारण। सिपाहियों को धर्मांतरण के डर, लक्ष्मीबाई की झांसी को हड़प नीति तथा अवध का अधिग्रहण नीति के कारण विद्रोह का। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी सिपाहियों के दबाव में विद्रोह के नेता बन गए। विद्रोह का भारत के उत्तरी भाग तक सीमित रहना। विद्रोह का व्यापक स्वरूप। अंग्रेजी हुकूमत का हिल जाना। विद्रोही अपने कमियों को बावजूद एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े थे। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही एहसान फरमोस व बर्बर लोग थे। विद्रोहियों की आवाज़ को दबाना आवश्यक। भारतीयों ने विद्रोह के दौरान अपनी आवाज़ दर्ज की। ज़्यादातर सिपाही व आम लोग अनपढ़ थे। विद्रोही जनता के विचारों को समझने के लिए कुछ घोषणाएं व हस्तकार एकमात्र सहारा। विद्रोहियों के नज़रियों को समझने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं था। विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म को भेद किए बिना सभी तबकों का आह्वान किया गया था। मुस्लिम राजकुमारों व नवाबों द्वारा की गई घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया था। इस त्योहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया गया था। हिंदू युद्ध में हिंदू और मुस्लिम दोनों का बराबर नुकसान हुआ था। घोषणाओं में ब्रिटिश राज ने से संबंध हर प्रतीक खारिज किए गए थे। अंग्रेजों को हटाकर एक वैकल्पिक सत्ता का तलाश। विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में आजमगढ़ घोषणा एक मुख्य सूत्र था। जमींदार वर्ग अपनी जमींदारी व अपने ढंग से शासन करने का अधिकार चाहता था। व्यापारी वर्ग पर से अनुचित दबाव खत्म। उन्हें देश विदेश में व्यापार करने की छूट। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह की वृद्धि व ऊंचे ओहदे। देसी कारगरों में राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनाती। राजाओं को अपनी रियायतें वापस मिलने का आसार हो गए थे। समाज का हर पीड़ित वर्ग अपना सम्मान और स्थान वापस पाने की इच्छुक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार किए गए चित्र विद्रोह एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में थे। इसे मुख्य हैं, पहला है विद्रोह में संबंध। चित्र पेंसिल से बने रेखांकित उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों का विभिन्न प्रकार की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का पैदा करना। अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान करना। 1859 में थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र लिलीप ऑफ लखनऊ
अखबारों में छपी खबरों को जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर, औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा से ब्रिटेन का जनता में पति शोध की मांग। जोसेफ नोएन फोंटेन का चित्र इन मेमोरियम, तमाम चित्रों में विद्रोहियों का दानों के रूप में चित्रण, असहाय औरतों को वीरता के साथ विद्रोहियों के मुकाबला करते हुए चित्रण, कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस वियर का चित्र एक गहरे धार्मिक विचारक को प्रस्तुत करता है, ईसाइत की रक्षा का संघर्ष, विद्रोह के हिंसक दमन और प्रतिशोध को आवश्यक और न्यायपूर्वक ठहराया जाता था। ब्रिटिश प्रेस में अनेक चित्रा और कार्टून विद्रोह के हिंसक दमन को मंजूरे प्रदान करते हुए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको बताते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, समाज का प्रत्येक वर्ग जमींदार राजा किसान और शामिल, इनके बारे में बताते हैं। अवध का अधिग्रहण सहायक संधि के तहत क्या क्या हुई थी, इसके 15-16 पॉइंट के बारे में बताते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली साहब को अपदस्त कर कलकत्ता निर्वासित किया गया था। अंग्रेजों का मानना कि वाजिद अली शाह एक अलोकप्रिय शासक थे, जनता का उन्हें प्यार करना, नवाब के निर्वासित होने से एक पूरी दुनिया का खात्मा, पूरे राजतंत्र का बिखर जाना, इन कारणों से जनता में रोष, अवध में शिकायतों का एक श्रृंखला, राजकुमार तालुकदार किसान और सिपाहियों से जुड़ी हुई, ब्रिटिश भू राजस्व से तारुकार हैसियत व सत्ता पर चोट, तारुकदारों का उनकी जनता जमीनों से बेदखल किया जाना, तारुकदारों की सत्ता छीनने से एक पूरी सामाजिक व्यवस्था का अंत, निष्ठा और संरक्षण के किसान तारुकदारों के संबंध खत्म, किसानों को अंग्रेजी हुकूमत पर अविश्वास, किसान मनमाने राजस्व का आकलन और अंग्रेजों की गैर लचीली व्यवस्था से परेशान, किसानों का असंतोष फौजी बेरंकों तक पहुंचा, फौज में बहुत सारे किसान अवध के गांव में भर्ती, दशकों से सिपाही कम वेतन व छुट्टी न मिलने से असंतुष्ट, सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों का विद्रोह पर असर, किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह में शामिल, और तत्कालिक कारक कौन से थे, सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतून देना, मुस्लिम और हिंदू दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत करना, बाजार के आटे में गाय और सुअर की हड्डियों के चूरे की मिलावट की अफवाह, सिपाहियों में अफवाह से धर्म भ्रष्ट होने का भय, कंपनी द्वारा सुधार, अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को खत्म करने और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाना, हिंदुओं की धार्मिक आस्था व सामाजिक व्यवस्था पर इन कानूनों से प्रहार करना, कट्टर हिंदुओं से इससे रोष, ईसाई मिसानियों और भारतवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतर, जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक के नेतृत्व में पश्चिमी शिक्षा पश्चिमी विचारों का प्रचार, पश्चिमी संस्थान के जरिए भारतीय समाज को सुधारने पर बल, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय से विश्वविद्यालय की स्थापना, विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों की छवि में दिखाना जो देश को रण स्तर की ओर ले जा रहे हों, विद्रोहियों का दमनकारी समाजवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित मुद्रा में चित्रण, एक हाथ में घोड़े की राज और दूसरे हाथ में तलवार थामे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्रण, रानी के शौर्य का गौरव गान करती हुई कविताएं, लक्ष्मीबाई का एक मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रण, लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार दिखाना, ऐसा चित्रण अन्याय और विद्रोही शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक, तस्वीर बनाने वाले चित्रकार की सोच व मनोदशा को आईना दिखाना, चित्रों के माध्यम से जनमा की सोच और एहसासों का आकलन, जनता चित्रों की तारीफ आलोचना करती थी, जनता द्वारा चित्र के नकलों के घर और प्रेरणा स्रोत के रूप में सजाना, चित्रों में लोगों की भावनाओं को शक्ल दी, भारतीय राष्ट्रवादी चित्रों द्वारा भारतीय राष्ट्रवादी कल्पना का निर्धारण, उत्तर भारत में फौजियों की आसानी के लिए कानून पारित किया गया,
इसमें क्या क्या थे मुख्य बिंदु, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1857 की मई और जून में समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया। फौजी अफसरों की और आम अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार, विद्रोह में शामिल होने पर शक का मुकदमा करना, कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द, विद्रोह की केवल एक ही सजा सजाए मौत, ब्रिटेन में नई टुकड़ियों का मंगाना, दिल्ली पर दो तरफा हमला करना, एक तरफ कलकत्ते में और दूसरी तरफ पंजाब में दिल्ली की तरफ कूच, दिल्ली को कब्जा करने में की मुहिम में जून 1857 में शुरू, सितंबर 1857 पर दिल्ली पर कब्जा असंभव, गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा, अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाके गांव दर्द गांव जीतना पड़ा क्योंकि आम देहाती जनता और आसपास के लोग विद्रोह में शामिल थे। फॉरसीए नामक अंग्रेज अफसर का अनुमान अवध की कम से कम 3/4 वैक्स पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल। अवध पर एक लंबी लड़ाई के बाद 1858 में अंग्रेजों का नियंत्रण, अंग्रेजों को एहसास कि विद्रोह एक सैनिक विद्रोह नहीं, एक ऐसे विद्रोह में उनका सामना जिसे बेहिसाब जनसमर्थन, अंग्रेज सैनिक द्वारा अन्य रूप में हथियारों का प्रयोग करना, उत्तर प्रदेश के भूस्वामियों और काश्तकारों के बीच फूट डालना, जमींदारों को उनकी जागीरें लौटा देने का आश्वासन, विद्रोह में शामिल जमींदारों को उनकी जमीन में बेदखल वफादार जमीनों को इनाम दिलाना। 10 मई 1857 में शुरू हुआ विद्रोह नवंबर 1858 में जाकर ख़त्म हुआ। अंग्रेज सरकार को विद्रोह दमन करने में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के तहत अवध का अधिग्रहण, इसके बारे में बताएंगे कौन कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता निर्वासन, अंग्रेजों द्वारा नवाब को अपनी जनता में अलोकप्रिय बात बताकर उन पर राज अच्छी तरह से ना चलाने का आरोप लगाना, अवध के तारुकदारों की सत्ता पर भी प्रहार करना, समूचे देहात में तारुकदारों की जागीरें और किले, इलाकों में जमीन और सत्ता पर जमींदारों का नियंत्रण, तालुकदारों के पास अपने हथियारबंद सिपाही, नवाब की संपूर्णता स्वीकार का और राजस्व चुकाते रहने पर स्वायत्ता का होना, अंग्रेज तारुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, अधिग्रहण के फौरन बाद अंग्रेजों द्वारा तारुकदारों की सेनाएं भंग कर देना, 1856 के एकमुश्त बंदोबस्त के बाद ब्रिटिश व राजस्व व्यवस्था लागू करना, बंदोबस्त के अनुसार तालुकदारों के सिर बिचौलिया होना, जमींदार पर उनका मालिकाना नहीं, बल और धोखाधड़ी के जरिए का प्रभुत्व, एक मुश्त बंदोबस्त के तहत तारुकदार जमीन से बेदखल, दक्षिण अवध के तारुकदारों को सबसे बुरी मार, अंग्रेजों के आने से पहले 1% गाँव तारुकदारों के पास, एक मुश्त बंदोबस्त के बाद संख्या घटकर 38% तारुकदारों की संख्या छीनने से एक पूर्व सामाजिक व्यवस्था भंग। ये थे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।